नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे सत्र 2024-25 में उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत स्नातक और स्नातकोत्तर में जो आपने प्रवेश के लिए आवेदन प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म फिल किया था और आपको जो कॉलेज अलाट हुई है, जो कॉलेज आपको मिली है, उसमें यदि आपको नहीं पढ़ना है, आपको दूसरी कॉलेज में पढ़ना है, तो आप घर बैठे अपना जो ऑनलाइन कॉलेज ट्रांसफ़र का जो आवेदन है वो चालू हो गए, वो आवेदन आप कैसे करोगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आपने सत्र 24-25 में ई प्रवेश के माध्यम से जो यूजी या पीजी में कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया था और आपको जो कॉलेज मिला है, यदि आप उसमें अध्ययन नहीं करना चाहते, आपको जो दोस्तों दूसरी कॉलेज में अध्ययन करना है और उस कॉलेज में यदि सीट खाली है, तो आपने वहाँ के जो भी प्रिंसिपल है उनसे संपर्क कर लिया और उस कॉलेज में आप अध्ययनरत यानी कि पढ़ना चाहते हैं और वहाँ के प्रिंसिपल ने आपको अनुमति दे दी है, तो आप जिस कॉलेज में आपका एडमिशन लिया था उस कॉलेज से आप दोस्तों नए कॉलेज में जो दोस्तों कैसे अपना जो ट्रांसफ़र करोगे डाटा यानी कि अपना नाम कैसे ट्रांसफ़र करोगे, उसकी लिंक आ चुकी है। तो उसके लिए दोस्तों आपको उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के ऑफिशियल पोर्टल पर आना, ई प्रवेश 2024-25 के ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से दोस्तों आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर वन स्टेप अप का जो ऑप्शन दिख रहा है, वन स्टेप अप, इसमें दोस्तों जो है यूजी अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीए बीएससी बीकॉम और पीजी यानी कि एमए एमएससी एमकॉम जिसमें भी आपने एडमिशन लिया था, दोनों की ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है, कॉलेज चेंज की प्रोसेस सेम रहेगी। आप जिस भी जो है दोस्तों कोर्स में अध्ययन रहते हैं और जिस कॉलेज में आपने अध्ययन एडमिशन लिया है उसमें से आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, तो उस वाले जो भी लिंक है यूजी या पीजी जिसमें भी, उसको आप सिलेक्ट कर ले। जैसे आप लिंक को क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से ऑनलाइन एडमिशन 2024-25 अंडर ग्रेजुएट आफ्टर ट्वेल्थ और पीजी का रहेगा तो पोस्ट ग्रेजुएट आफ्टर ग्रेजुएशन लिखा हुआ आपको शो होगा। उसके बाद में दोस्तों इसके जो आवेदन है ऑनलाइन कॉलेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, जो कि 24 सितंबर 2024 से चालू हो गया। तो आगे जो आवेदन करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था और जो आपके पास रसीद है और उस पर जो एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर देना है, जो भी छात्र छात्रा की जन्मतिथि है वो जन्मतिथि देनी। उसके बाद में जो आपने कॉलेज एडमिशन फॉर्म भरते समय पासवर्ड क्रिएट किए थे यानी कि चॉइस फिलिंग के लिए जो पासवर्ड से आपने लॉगिन किया था या फिर आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो पासवर्ड क्रिएट किए थे वो पासवर्ड यहाँ पर देना है, कैप्चा कोड देना है और सिंपल से आपको व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड नया मंगवा सकते हैं और यहाँ पर जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड और जानकारी देकर आपको लॉगिन कर लेना। जैसे आप व्यू डिटेल पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओगे। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ऑनलाइन एडमिशन 2024-25 कॉलेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। उसके बाद में कैंडिडेट की बेसिक डिटेल यहाँ पर दिखेगी, जो रजिस्ट्रेशन के समय दी थी, जिसमें आवेदक का नाम यानी कि कैंडिडेट का नाम, छात्र छात्रा का नाम, आवेदन नंबर, माता का नाम, पिता का नाम, जेंडर, जन्म दिनांक, उसके बाद में मध्य प्रदेश के मूल निवासी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थापित, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय पात्रता, जो भी आपकी कैटेगरी विकलांग वगैरह जो भी आपने दिए थे वो जानकारी यहाँ पर आपको दिखेगी। ये सारी जानकारी आप अपनी अच्छे से मिलान कर ले, सुरक्षा के लिए हमने जानकारी हाइड कर दी, इसलिए आप अपनी जो भी जानकारी है जिसका भी आप करोगे उसकी जानकारी आप अच्छे से रिमार्क कर ले, अच्छे से वेरीफाई कर ले। उसके बाद में इधर फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर दिखेगी, उसके बाद में आपको स्क्रॉल कर नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रवेश विवरण दिखेगा, तो यहाँ पर आवंटित कॉलेज, तो आपको जो कॉलेज मिली है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या सीएलसी राउंड में जो भी कॉलेज मिली है, जो आपको पहले मिली जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ उसकी जानकारी दिखेगी। तो यहाँ पर जो भी कॉलेज आपको मिली वो कॉलेज का नाम दिखेगा, जिस कोर्स में आपका अलाट हुआ वो कोर्स का नाम दिखेगा, उसके बाद में आवंटित श्रेणी अलॉटेड कैटेगरी यहाँ पर आपको दिखेगी। ये जानकारी भी आप अच्छे से रिमार्क कर ले, अच्छे से वेरीफाई कर ले। उसके बाद में दोस्तों ऑप्शन आता है जिस कॉलेज में हमें ट्रांसफ़र करवाना है, यानी कि जो पहले की पुरानी कॉलेज उससे हमको दूसरी नई कॉलेज में ट्रांसफ़र करवाना, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ज़िले का चयन कर लेना, जो भी ज़िले की आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, नई कॉलेज में जाना भर्ती यानी कि दोस्तों अपनी कॉलेज चेंज करना चाहते उसका ज़िला चयन कर ले, कॉलेज का टाइप यहाँ पर आपको चयन कर लेना। उसके बाद में दोस्तों जैसे आप कॉलेज का टाइप चयन कर लोगे तो कॉलेज का नाम खुलकर आएगा,
तो जिस कॉलेज के प्राचार्य से, जिस कॉलेज में आपको पढ़ना है, जिस कॉलेज के प्राचार्य से आपसे बात हुई और आप वहाँ से आपको अनुमति मिली है, उस कॉलेज को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रिमार्क है, तो यहाँ पर आपको जो भी रिमार्क लिखना है, जो भी आपको उचित लगे वो रिमार्क यहाँ पर आपको लिख लेना। उसके बाद में घोषणा पत्र पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं घोषणा करता करती महाविद्यालय परिवर्तन के लिए अनुरोध मेरे द्वारा ही किया गया है, महाविद्यालय परिवर्तन में मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा होंगी। तो ये आप जानकारी अच्छे से चेक कर ले, अच्छे से रिमार्क कर ले, अच्छे से वेरीफाई कर ले। जो भी कॉलेज आपको ट्रांसफ़र करवाना, परिवर्तन करना, चेंज करना है, उसकी जानकारी आपको फिल करना है और ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रिमार्क लिखना अनिवार्य है। ये लिखने के बाद में घोषणा पत्र पर क्लिक करके जैसे आप कॉलेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे तो आपका जो है दोस्तों आवेदन हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका जो भी शुल्क यहाँ पर कॉलेज परिवर्तन यानी कि कॉलेज चेंज करने का जो भी शुल्क उच्च शिक्षा विभाग का लग रहा है, वो शुल्क का भुगतान कर लेना। शुल्क का भुगतान करने के बाद में जो रसीद आपको मिलेगी वो सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी। यदि आपका कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उस स्थिति में जो भी नई कॉलेज है उस कॉलेज में आपको आवेदन की जो ट्रांसफ़र की रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट जमा करना है और जो भी दस्तावेज वहाँ के द्वारा मंगाया जा रहा है वो दस्तावेज लेकर वहाँ पर उपस्थित होकर वहाँ पर आपको एडमिशन लेना और आगे की जो भी पढ़ाई आप वहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन में जो भी यूजी या पीजी स्नातक या स्नातकोत्तर में जो भी छात्र अध्ययनरत है और उसमें आपको जो प्रथम वर्ष में आपने एडमिशन लिया है और आपको जो कॉलेज अलाट हुई है उसमें आपको नहीं पढ़ना, आपको दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना, जो भी कॉलेज आपको उचित लगे, जिस डीले की जिस कॉलेज का आपको चयन करना है उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना और वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा आपको अनुमति दे दी गई है, तो उस स्थिति में आप अपना कॉलेज ट्रांसफ़र यानी कि कॉलेज चेंज का जो रिक्वेस्ट है वो इस तरीके से ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।